हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू इज कैप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। ड्रा द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। इफ एन वन इज लेस देन एन टू, एन वन इज इक्वल टू एन टू, एन वन ग्रेटर देन एन टू। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है जो कि मेड हो रहा है एक मटेरियल से ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू, जो कि कैप्ट रखा है इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है लेंस पर। तो ड्रा करना हमें पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। यदि एन वन लेस देन एन टू हो, एन वन लेस देन एन टू के बाद है एन वन इक्वल टू एन टू हो एंड एन वन ग्रेटर देन एन टू हो। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रखा है, एन वन लेस देन एन टू, क्लियर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एन टू एंड ये हमारे पास मीडियम एन वन, तो ये जाएगी यहाँ से एंड क्या हो जाएगी, कन्वर्ज। तो वी कैन सी दैट लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम ऑन पासिंग द थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है। अब सेकंड में क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, सेकंड में दे रखा हमारा एन वन है एन टू के इक्वल, ठीक है। तो एन वन और एन टू इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, रे पास आउट कर गई पैरेलल में, ये है एन वन और ये है एन टू। तो यहाँ पर क्या है, देर इज नो चेंज इन मीडियम। ओके, देर इज नो चेंज इन मीडियम, ठीक है। तो नो बेंडिंग और रिफ्रैक्शन अक्कर, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी एंड कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा एंड लास्ट वन में क्या पूछा गया है, एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी। ये हमारा एन वन और ये हमारा एन टू, तो यहाँ क्या होगी, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मीडियम एंड डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, नो पासिज करो एक कॉन्वेक्स लेंस एंड इट डाइवर्जिज, इट डाइवर्जिज, क्लियर। दैट इज यूर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।